सो हेलो फ्रेंड्स, आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ है जो कि मैंने अल्टीमेटली फ्लिपकार्ट से ही ऑर्डर किया, क्योंकि मुझे ऐसे ही अनबॉक्सिंग या फिर व्लॉगिंग करने में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि इसका कोई अल्टीमेट सॉल्यूशन निकाला जाए। और हालाँकि ऐसे फ़ोन पकड़ के, एक हाथ से फ़ोन पकड़ो और दूसरे हाथ से अनबॉक्सिंग करो, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि कोई स्टैंड या फिर कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो फ़ोन को स्टेबल रखे रहे और अनबॉक्सिंग करने के लिए थोड़ी आसान हो जाए। तो इस वजह से मैंने पहले तो सर्च किया कि कौन सा अच्छा होगा और अफोर्डेबल रेंज में होना चाहिए, क्योंकि मैं ज़्यादा महंगा ले नहीं सकती। तो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं, स्टार्टिंग के लिए तो मैंने एक छोटा सा ट्राईपॉड ख़रीदने का सोचा, और अमेज़ॉन भी देखा और बहुत सारे दूसरे ऑनलाइन साइट्स भी देखे, पर मुझे ये फ्लिपकार्ट वाला ज़्यादा अच्छा लगा। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ऑक्टोपस वाला ट्राईपॉड लूँगी, पर फिर पता नहीं उसका स्टैंड या फिर उसका मोबाइल होल्डर उतना कुछ ख़ास नहीं लग रहा था, और रिव्यूज़ देखने के बाद भी मुझे कुछ ख़ास नहीं लगा। तो इस वजह से मैंने ऑक्टोपस वाला नहीं, पर उसी के टाइप का एडजस्टेबल हो और हैंडी भी हो, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, ये कहीं से भी मेरे कैरी बैग में आराम से आ जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये रोटेट भी करती है, और इसे फिक्स करने के लिए अच्छा सा स्क्रू भी है, तो इसे जैसे चाहे वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अफोर्डेबल पड़ा मुझे, और जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि मुझे कितनी परेशानी हो रही है एक हाथ से ही सारे पार्सल को देखने और उसका फर्स्ट रिएक्शन करने पर। तो ये है मोबाइल होल्डर जो कि काफ़ी अच्छे से फिक्स हो जाता है, और स्लिप भी नहीं करता। ये ट्राईपॉड के साथ ही मुझे कॉम्प्लीमेंट्री मिला। ऐसे अगर आप दूसरे ट्राईपॉड्स देखेंगे तो मोबाइल होल्डर जनरली नहीं मिलेगा, और अगर आपको मोबाइल होल्डर ख़रीदना है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी पड़ेंगे। तो मोबाइल होल्डर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बारी है ट्राईपॉड देखने की। तो ट्राईपॉड है तो रेड एंड ब्लैक में है, ये काफ़ी ठीक लगा मुझे। और अब इतने कम पैसे में है तो ऑब्वियसली ये रोटेट करने के लिए ऊपर में दिया गया है कि आप आराम से अपने मोबाइल होल्डर को अच्छा से एडजस्ट करके आप रोटेट कर सकते हो, किस एंगल में आपको शूट करना है और किस एंगल में नहीं, ये आपके हिसाब से है। ओवरऑल ट्राईपॉड अच्छा था, और इन फ्यूचर मुझे वीडियो शूट करने में थोड़ी सी आसानी होगी, वो भी अनबॉक्सिंग वाली। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड कीप सपोर्टिंग मी।